किया जा सकता है और कर रहे हैं लोग, ठीक है, बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। लड़की को मरने को मर गई, यकीन मानिएगा मेरी बहन थी, जिस वक्त उसके जनाजे को नहलाया जा रहा था, गुसल दिया जा रहा था, जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहां पर नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहां पे देखा, खुद उसकी माँ वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहां थे मौजूद, मेरी माँ, मेरी अम्मी, मेरी वहां मौजूद थी, लड़की की बुआ है वो, मैं फुफेरा भाई, ठीक है, वो मेरी मेरी बहन थी, वो मौजूद थी वहां पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, जो भी चीज है, उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया मुंह से, और यहाँ को चाकू निकाला गया, ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया, दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया, गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी, ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी, ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने यहाँ सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे, चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह से, ठीक है, जिस जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे, मतलब इन लोगों ने इतने ज्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, आप लोग खुद देखिए क्या इतनी बड़ी बात थी, ठीक है। फिर वहां पर उसको, मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए, 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक आपके सामने 1 तारीख आ चुकी है, ठीक है, अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है, लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां से वो कहानी नहीं बनी है, वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है, कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम बिहार में, वहां जाकर के पुलिस आती है, वहां से हमें उठा के भगा के मार के उठा देती है, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं कर रहा है, आते हैं रोटियां सेकते हैं चले जाते हैं। बस मैं आप लोगों से इतनी गुहार करना चाहता हूँ कि जो सच है सच का साथ दे, लड़की को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, अब जो है उसके मैरिज का या जो भी है, ठीक है, वो नहीं, अभी तक कोई एविडेंस हमें मिला है, हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो शादीशुदा थी, उसको बदनाम करने के लिए सब किया गया, ठीक है, लेकिन